सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले बेटा ले ये तो तेरा हक है। संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, उसे दो दो हाथ हर दिन करना जरूरी है। कर्तव्य और कर्म जिसके साथ है, बस समझो जीत उसके पास है। सपना देखने में बुराई नहीं, बस जागने पर चलना जरूरी है। आज का पंचांग 16 अगस्त 2021 दिन सोमवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि, सुबह 7:45 तक रहेगी। इसके उपरांत 9वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 3:02 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:43 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी। आज सूर्य कर्क राशि पर रात्रि 1:23 तक रहेंगे। इसके उपरांत सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि 16 अगस्त 2021 दिन सोमवार, नेटवर्किंग सामाजिक बैठकों या क्लब में शामिल होने के लिए यह एक आदर्श समय है। आपका करिश्मा आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। एक दुर्घटना या चोरी आपके आर्थिक स्थिति में परिवर्तन ला सकती है। किसी भी घरेलू परेशानी को हल करने के लिए बातचीत करें। अपने क्षितिज का विस्तार और नए लोगों के साथ बातचीत आपके सफल होने का एक मौका है। लोगों से सामाजिक और भावनात्मक रूप से बात करें। याद रखें कि यह सब मनुष्य के नैतिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अतीत पर ध्यान मत दो, अपने मन को वर्तमान पल में केंद्रित करो। यह समय परीक्षा वाला है, परंतु आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम रहेंगे। बदलते परिवेश की वजह से आपने जो नीतियां बनाई है वह फायदेमंद साबित होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का सदैव आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। जो काम आपने हाथ में लिया था वह लगभग पूरा होने के कगार पर ही है, इसलिए आपको अपने उत्साह को बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही नए कार्य के बारे में सोच विचार करें। परिवार के युवा वर्ग के कारण परिवार में सुख शांति भरा वातावरण होगा। क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते समय दस्तावेज को ठीक से पढ़कर ही आगे बढ़ें, वरना आगे जाकर कायदे से संबंधित तकलीफ होने की संभावना बन रही है। पार्टनर आपको खुशियां देने के पूरे प्रयत्न करेंगे, उनकी भी अपेक्षाओं को समझने की कोशिश करें। सावधानियां, नजदीकी मित्रों अथवा संबंधियों के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, संबंधों को खराब ना होने दें। इनके लिए अगर झुकना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। रुपए पैसे संबंधित कोई भी उधारी ना दें। बात करते हैं लव लाइफ की। नेटवर्किंग के इस दौर में हर मौके का फायदा उठाएं और नए दोस्त बनाएं। आपका और आपके साथी का रिश्ता उतना ही फ्रेश और जीवंत है जितना पहले था। इसे ऐसे ही बनाए रखें और कुछ नया करते रहें। बड़े भाई बहन और चाचा से मिलकर आप नए अनुभव प्राप्त करेंगे। आपका आज का व्यस्त कार्यक्रम आपको अपने पार्टनर से दूर रखेगा, लेकिन एक कार्ड या आई लव यू का छोटा सा मैसेज भेज के आप अपने प्यार को व्यक्त कर सकते हैं। अपने दोस्तों की संख्या को बढ़ाएं और नए लोगों से बातचीत करें। बात करते हैं करियर की। अपने आकर्षण से आप सबका दिल जीत सकते हैं। आप अपने शुभचिंतकों या प्रियजनों को यह बताना ना भूलें कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। व्यापार में लाभ के लिए कोई समूह या सोसाइटी फायदेमंद हो सकती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, इसीलिए शॉर्टकट की होशियारी भारी पड़ सकती है। आज ठगी न बने और बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें। अपने चितित का विस्तार करने और अपने चीजों पर विचार करके सफलता हासिल करने का यह अच्छा समय है। लोगों से मिलते जुलते समय खुद के प्रति ईमानदार रहें।
लोग आपको आपके बारे में आपको वो सिखा सकती हैं जो आप खुद के बारे में नहीं जानती। बात करती हैं सेहत की। अनियमित दिनचर्या और खान पान की वजह से स्वास्थ्य खराब है और इससे आपकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज अब शंकर भगवान जी को नारियल चढ़ाए शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।